सो हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई चिकन। सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल लिया है। कढ़ाई चिकन बनाने के लिए हमने 2 कटे हुए प्याज, लहसुन, खड़े मसाले और पिसा हुआ टमाटर लिया। अब तेल गर्म हो गया है, इसमें हम हींग और जीरा डालेंगे। जैसी हींग और जीरा भुन जाए, इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले। अब हमने इसमें डाला लहसुन, लहसुन भी भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक प्याज ब्राउन ना हो जाए। प्याज भुनने लगा है, इसमें हम डालेंगे टमाटर, उसको भूनेंगे। टमाटर डालते ही हम डालेंगे कुछ मसाले। सारे मसाले हम डाल देंगे। मसाले डालते ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब मसालों को 5-10 मिनट अच्छे से भुनने दें। मसाला भुन चुका है, अब हम इसमें डालेंगे चिकन के पीस। इसमें चिकन के पीस डाल के मसाले को अच्छी तरह से इसमें मिलाएं। कुछ देर इसको ढक कर रख दें। थोड़ी देर बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी उतना ही डालें जितना आपको इसमें तरी चाहिए। अब इसको ढककर पकाएं। अब इसमें उबाल आ गया है, चिकन बन के तैयार हो चुका है। इसमें डाल दें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। ये देखिए, चिकन बन के तैयार है।